हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि सबको पता है, आरआरबी का एग्ज़ाम चल रहा है और कल से स्टार्ट है। तो पहले तो ऑल द बेस्ट सबको। आप सबने अच्छी सी तैयारी कर ली होगी, लेकिन लास्ट मिनट मिनट में जो टिप्स मिलेंगे, वो जो मैंने फेस किया था, आरआरबी मैंने 2-3 बार दिया और हमेशा जैसे लास्ट टाइम में 0.25 मार्क्स से रह गया था। तो प्री पास करना मुश्किल है आरआरबी क्लर्क का खासकर। और तो प्री के लिए जो टिप्स रहेंगे, वो मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो उससे शेयर करूँगा आपको। तो आप एग्ज़ाम में उसे अप्लाई करना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उस पर ध्यान रखना है। और पेपर अटेम्प्ट में आपको स्टार्टिंग के जैसे 10 से 15 मिनट आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं उसके इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन सारे कर लें 10 से 15 मिनट में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी टाइम बच जाए उसमें आपको दूसरे सेक्शन में जाना है, उसकी इजी टू मॉडरेट जो क्वेश्चन है सारे वो उसके करने और 10 से 15 मिनट उसमें देने, ठीक है। आपको 30 मिनट के आसपास हो जाए तब, और फिर भी 15 मिनट बचेगी। तो फिर आपको क्या करना है, जो भी ऐसे क्वेश्चन जो आपसे 10 मिनट के अंदर हो सकते हैं, जो हार्ड क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, वैसे तो हार्ड आएंगे नहीं आरआरबी क्लर्क में खासकर, तो जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं जो जिसमें टाइम कंज्यूमिंग जो लगते हैं आपको, उनको बाद में अटेम्प्ट करें। और जो लास्ट के 10 मिनट हैं उसमें आपको इतने क्वेश्चन ही रखने हैं लास्ट के लिए कि जो आपसे 10-15 मिनट में कवर हो सके, तो वो करने। और ये सब कुछ ना, पूरा पेपर आपका 40 मिनट का आप टारगेट लेके चलोगे तब जाके 42-43 मिनट में होगा। लास्ट के 2 मिनट के जो बचेंगे उसमें आप एक ब्रीफ रिविजन कर सकते हैं पेपर का जो आपने किए क्वेश्चंस, तो ये टारगेट आप लेके चलेंगे तब जाके आपका 42-43 मिनट में कवर होगा और अच्छे से पेपर होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है, शुरू से स्पीड अच्छी रखनी है। ऐसा नहीं कि आप शुरू में क्वेश्चन ज़्यादा देखने में रह जाए और आपसे क्वेश्चन बाद में बन नहीं पाए। मतलब टाइम जब निकल जाता है ना 2-4 मिनट का, तो फिर थोड़ी हड़बड़ी सी होती है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करे तो नहीं लगते हैं, और फिर वही है टाइम की दिक्कत आएगी लास्ट में। तो शुरू से स्पीड मेंटेन रखें, लेकिन ज़्यादा भाग दौड़ में भी क्वेश्चन स्किप करते करते भी नहीं जाए, ज़्यादा स्किप करने के चक्करों में भी क्वेश्चन रह जाएंगे। तो अपना जो है स्ट्रेटजी बना के चले, आज आप मॉक लगाओगे तो वो उसी हिसाब से मॉक लगाएं जैसे पेपर में आपको करना है। और ये नहीं कि आप एक सेक्शन को लेके बैठ गए पूरे, जैसे आपने काउंट कर लिया कि 22 मिनट है या 22.5 मिनट है, तो उसमें एक सेक्शन करना है, तो इससे भी टाइम जो है दिक्कत करेगा। आपको रीजनिंग में टाइम कम देना है क्योंकि वो सेक्शन थोड़ा इजी पड़ेगा, तो रीजनिंग का सेक्शन पहले करें या बाद में करें, आपको टाइम उसके लिए कम रखना है। और क्वांट जो सेक्शन है उसके लिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रखना, 2-4 मिनट का। तो ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। और लास्ट मिनट में आपको ये ध्यान रखना कि जैसे ये नहीं कि आप रात भर पढ़ के जाएं और सुबह आपका जल्दी एग्जाम है, ठीक है। उससे पहले अच्छी नींद लेके जाना है, और जितना पढ़ना है आपको शाम तक पढ़ लेना, उसके बाद में अच्छी नींद लेके और फिर जाना है, ठीक है। और भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको उस टाइम ध्यान रखनी है, कि जैसे आपको एडमिट कार्ड वगैरह पहले ही निकाल के रखने हैं पहले वाले दिन में। ये नहीं कि सुबह जाते वक्त निकाल लेंगे, हो सकता है दुकानें बंद मिले, ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें कर सकती है। उसके अलावा अपनी जो भी एसेसरीज आपको काम में आएंगी वो लेके जानी है, ठीक है। और अपने आराध्य को विश करके जाना है, हाथ जोड़ के जाना है कि विश मी गुड लक, ठीक है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और ऑल द बेस्ट सबको। कल अच्छे से एग्ज़ाम करके आना, अपने सपने अपने टारगेट्स को पूरा करना है, ठीक है। और सरप्राइज एक और मिलेगा आपको 19 अगस्त को, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे रहेगा ओनली। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है IMARJUN05, ठीक है। सो ज्वाइन देयर, इट विल बी ए बिगेस्ट सरप्राइज, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक्स अ लॉट।